हमार वेन स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बखेली बुलेटिन पूजा के संगे। पंचायती राज और नगरी निकाय चुनाव को लेके पुलिस प्रशासन शांति से चुनाव करवावे खातिर बंदूक लाइसेंस धारी के लाइसेंस का रद्द करके थाना में जमा करवावे के आदेश दिए हैं। वहां दूसर कई चोराटा थाना के बनकुइया में ही एक गरीब यादव के ऊपर 3 गुंडा मिल के हमला कर दिन जेमा उनकर गोट तोड़ दिन। वहीं पीड़ित के शिकायत के बाद पुलिस मामला दर्ज कर लेन, पर गिरफ्तारी न होए के कारण अब बंदूक से फायर करत वीडियो वायरल हो रहा है। वो मरगरी में चालू चालू पीछे न जाए को पहला से ज्यादा बताइए कि कौन मारपीट किया है, किस कारण से मारपीट किया? अमित पांडे जी है, वो हम बाद में अंबरी लगे हमको घर से निकलने नहीं देते, बोलते कि आप प्रचार मत करिए और उसको कर्मचारी है 3 लोग सुधीर पांडे, अतुल तिवारी और अर्पित मिश्रा। ये अमित पांडे कौन है? वो खनिज के कई मामले हैं इसके ऊपर, खनिज माफिया टाइप के हैं वो लोग हैं क्या? ये यहाँ प्रेशर वगैरह लगाए हैं और उसी के 3 लोग आदमी हैं जो नौकरी चाकड़ी करते हैं, उन लोग कल रात में ही हमको 10 बजे रात दे रहे हैं, फिर गाँव के लोग बीच बचाव किए हैं। और इनको कैसे मारपीट किया, कहाँ जा रहे थे? तो ये रीवा आते थे दूर में, फिर क्या बाईपास में ही हम 3 मिलकर आके मारे। बात करें रीमा के देवतलाव क्षेत्र के, तो वहां के विधायक विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम के एक ठे वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जो ने माही गांव वाले से कहा तो दिखा ला हमा के अगर केव यह साबित कर दे कि उनकर देवाई स्वेच्छा निधि के राशि उनका नहीं मिली आए बल्कि अमीरन का दिन गही बै, तो वह राजनीति छोड़ दे ही और अपने पद से इस्तीफा घलाई दे दे ही। मैं कह रहा हूँ आधे में गया, यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं चुनौती देता हूँ, हनुमान जी के सामने चुनौती देता हूँ, यदि खाते में पैसा मिल गया इस गांव का एक वोट नहीं चाहिए मुझको, मैं इनकार करके जाना चाहता हूँ। चलिए, मंजूर है सबको? मंजूर है? मंजूर है? मैं चुनौती दे रहा हूँ, नहीं एक एक भी, मैं चुनौती दे के जाना चाहता हूँ माता बहनों, एक वोट नहीं चाहिए, जिसको तबीयत है उसको दे लेना। यदि सारे लोगों का पैसा आरटीजीएस में नहीं गया तो खाते में नहीं गया उनके, तो ठीक है। आप ये बोल रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, अभी अभी जयंती फैसला हो जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ चेक से या नगद हाथ से किसी को पैसा गया हो तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा, यदि आरटीजीएस से नहीं गया पैसा तो खाते में पैसा नहीं गया तो। जैसे दवाई कराते रहते लोग ना, तो जैसे बढ़ गया, जैसे मुख्यमंत्री सेक्शन दान उसी तरह से स्पीकर सेक्शन दान, विधायक सेक्शन दान होता है। पहले विधायक सेक्शन दान 15 लाख होता था, अभी सरकार ने 50 लाख कर दिया, हालांकि 50 लाख मिला नहीं है, 15 लाख आया, पर 50 लाख बजट में घोषणा हुई है, अब प्रत्येक विधायक को 50 लाख मिलेगा, उसी में से देना अपने को। लगभग कितना ये आरटीजीएस होगा? आरटीजीएस होगा उससे उस पंचायत का ये करीब 1.5 से 2 लाख से ऊपर होगा, 2.5 के आसपास होगा, 2.5-3 लाख। जब चुनौती देता हूँ कि मैं ईमानदार राजनीति करता हूँ, भ्रष्टाचार की राजनीति बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मैंने कहा कि ये मेरा साबित हो जाए कि पैसा नहीं हमको नहीं मिला, उनका कहना था कि आपके कार्यकर्ताओं ने ले लिया, तो मैंने ये कहा कि यदि आरटीजीएस से नहीं गया, आरटीजीएस मतलब उसके खाते में नहीं गया, उनका यह था कि आपने कार्यकर्ताओं को दे दिया, कार्यकर्ता अपने जेब में डाल दिया, उसको नहीं गया, हितग्राही को नहीं गया, तो मैंने कहा कि मैंने आरटीजीएस किया है, अब आरटीजीएस उसके खाते में नहीं गया है, यदि नहीं गया है तो मुझे इस गांव का एक वोट नहीं चाहिए। क्या मानते हैं किसके इसके पीछे किसकी बदनाम करने की साजिश होगी? क्या साजिश? राजनीति है, कौन हो सकता है? राजनीति, राजनीति अपने आप एक पार्टी है, पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं, आपके लड़के भी वहां से हाँ हाँ रहे हैं, तो जिले का राजनीति एक पार्टी होती है ना, राजनीति स्वयं एक पक्षकार है, राजनीति स्वयं एक पक्षकार है, राजनीति में ऐसा चलता है। और मैं आग्रह करता हूँ उनको, जिनने इस वीडियो को वायरल किया है, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हर वोटर तक इसको पहुँचा दें, मेरे पूरे भरसक को जो मैंने चुनौती दी है कि यदि मैं साबित नहीं कर पाया कि मैं आरटीजीएस से पैसा नहीं भेज पाया तो मुझे एक वोट नहीं चाहिए, तो न केवल वही पूरे विधानसभा क्षेत्र के भीतर यदि आरटीएस से पैसा नहीं गया तो मुझे पूरे विधानसभा का वोट नहीं चाहिए, ये ज़्यादा ज़्यादा वायरल कर ले। पर शर्त ये है कि यदि आरटीएस से गया, ये मैं साबित कर गया कल, तो फिर जो लड़े हुए हैं उनको पर्चा वापस कर लेना चाहिए। अब बात करें जिला के टभौरा थाना के, तो वहाँ के हरदोली रोड के रहाय वाले सुरेश मिश्रा और बस वाले के झगड़ा हुई गया रहा। ये घटना के जानकारी पुलिस का दीन गई रही, तो मनीष पांडे नाव के आरक्षक पहुंचे रहे और सुरेश मिश्रा के संगे मारपीट कर रहे, एक बाद दभौरा थाना पुलिस उनका थाने ले आई रही। थाना प्रभारी सलका
घटनाक्रम जानी ओतना धमकाइन के मार खाए बाले के सुराई बदल गई। आइए अपनाओ सुनी पूर्व मंडल अध्यक्ष चंद्रमणि का, जिनका सुन के अपनाओ जान जाप के पुलिस के डंडा के आम आदमी वही कितना खौफ हवे। मैं चंद्रवर मिश्रा जी राम दोनर का हूँ जी। ये सर आपके बालक के उससे कुछ विवाद हुआ था, इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बस और बस वालों से थोड़ा हल्का फुल्का विवाद हुआ था जी जी। वो बस वाले 100 नंबर में सूचना कर दिए थे, वहाँ पुलिस पहुँच गई थी जी। तो दो चार लपड़ मार कर कोई मनीष पांडे करके जी जी वो थाना ले गया था जी जी। फिर हमको जैसे पता चली जी जी तो मैं थाना गया जी जी। थाना प्रभारी वो मैडम आके जी जी पूरे शिष्टाचार के साथ जी जी और वास्तविकता जानने के बाद दोनों पक्षों में सुलह समझौता करवा दी जी जी। रीमा के कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होने वाली साप्ताहिक बैठक में ही अपर कलेक्टर विकास स्वप्निल वानखेड़े सीएम हेल्पलाइन के मामलन के समीक्षा करें। इस समय वो कहें कि हेल्पलाइन के मामलन के निराकरण में ही विशेष ध्यान दे की जरूरत ही है। ऊर्जा विभाग, खाद विभाग, लोक और स्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग, राजस्व विभाग, नगरी निकाय के संगेन बहुत का आवेदन पत्र परे हमा जोने के कारण जिला के रैंकिंग में ही सुधार नहीं हो पाए रही है। इन बैठक में ही वित्त विभाग, वन विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के संगे अलग अलग विभागन के मामलन के समीक्षा की गई है। वहीं बैठक में ही सलगे अधिकारी उपस्थित रहे हमा। रीमा जिला भरे माही पंचायती राज और स्थानीय नगरी निकाय चुनावन के प्रक्रिया का देख के कलेक्टर मनोज पुष्प मऊगंज और नईगढ़ के दौरा करें और वहां के तैयारियों के जायजा लिहिन। मऊगंज माही राजस्व और पुलिस अधिकारी के इकट्ठा बैठक का संबोधित कई के कलेक्टर कहें के राजस्व और पुलिस अधिकारी लगातार घूम घूम के कानून के व्यवस्था का बनाए रखा, वहां अपराधियों के ऊपर कठोर कार्रवाई करा। एक साथ नगरी निकाय चुनाव खातिर जिला स्तर माही MCMC समिति गठित कई के चुनाव में मीडिया के दुरुपयोग माही रोक लगावे खातिर समिति के गठन की गहबे। रीमा कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन यात्रियों के जान बचावे वाले साहसी बस चालक सत्येंद्र सिंह चंदेल का ही प्रशस्ति पत्र दे के सम्मानित करें। इस बारे में ही कलेक्टर बताएं कि रीवा से सीधी जाए वाली बस MP17P0692 मोहनिया घाटी में ही 19 जून का अचानक बस के स्टेयरिंग फेल हो जाए के कारण बस के संतुलन बिगड़िया रहा। जोने माही बस के चालक सत्येंद्र सिंह अपने सूझबूझ और साहस का दिखाए के बस का सुरक्षित रोके के कोशिश कई के बस का किनारे उतार के पेड़न से भिड़ाए के रुकाए दिन, जैसे यात्रियों के जान बची है। आज के बुलेटिन में इतने। बखेली में खबर खातिर देखते रहिए मारविंद के बखेली समाचार। नमस्कार।